सुल्तानपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, शातिर लुटेरे गिरफ्तार। सुल्तानपुर में बीती 25 अक्टूबर को जनसुविधा संचालक से 1.5 लाख की हुई लूट के मामले में आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट में शामिल 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से लूट का 51,500 रुपया और लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली है। दरअसल कुरभार थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव का रहने वाला अनिल यादव जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के मिली चौराहे पर बैंक फ्रेंचाइजी चलाता था। बीते 25 अक्टूबर को अनिल ने बैंक ऑफ बड़ौदा की सिसोड़ा शाखा से 3 लाख रुपए निकाले। रास्ते में एक रिश्तेदार को उसने 1.5 लाख रुपए दिए। बाकी पैसे लेकर वो अपनी बैंक फ्रेंचाइजी पर जा रहा था। रास्ते में वो पीली चौराहे के पास मेहदिया गांव पहुंचा ही था कि पीछे से बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके सर पर डंडे से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से अनिल गिर पड़ा और घायल हो गया। वही बदमाश रुपयों से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए। इसी घटना की पुलिस शातिर लुटेरों की तलाश कर रही थी। बीती रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस और स्वाट टीम ने जयसिंहपुर कोतवाली की पीली नहर पुलिया के पास से इन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वालों की शिनाख्त अंशु, अमित और अंकित के रूप में हुई, जो इसी जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से लूट का 51,500 रुपए, लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। थाना जयसिंहपुर क्षेत्र के ग्राम महदिया में एक अनिल कुमार यादव थे, जो बैंक से पैसा निकाल कर ले जा रहे थे। 3 लाख रुपए उनके पास थे। 1.5 लाख उन्होंने अपने किसी परिचित को दे दिया था और शेष 1.5 लाख रुपए वो अपने फ्रेंचाइजी का पैसा लेकर अपने घर जा रहे थे। ग्राम मेहदिया के पास में 3 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनसे डंडे मारकर 1.5 लाख रुपए छीन लिए गए थे। इस घटना का अनावरण करते हुए आज अंशु पुत्र रामचरण, अमित पुत्र प्रसन्नजीत और अंकित पुत्र दिलीप हरजन, इन लोगों से कुल लूट के 51,500 रुपये बरामद किए गए हैं तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं जो डंडा मारा गया था उसमें वो डंडा भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों को आज रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही इस घटना में अभी शेष 2 लोगों की गिरफ्तारी बची हुई है, जिनके बारे में पुलिस टीम काम कर रही है।